बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल नहीं होने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वह पीएम के नामांकन में शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अस्वस्थ होने के कारण आज अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी के काशी संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वह वाराणसी से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। वो गंगा सप्तमी के साथ पुष्य नक्षत्र में 11 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन में उत्तर प्रदेश समेत देश भर के 12 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 18 से अधिक कैबिनेट मंत्री समेत 36 VIP मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के नामांकन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी के नामांकन को खास बनाने की तैयारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अस्वस्थ होने के कारण आज के अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। ऐसे में वो पीएम मोदी के नामांकन में भी शामिल नहीं होंगे। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद बिहार की सियासत में शोक की लहर है। जी हां, बिहार बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है। पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन सब हालातों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जी हां, बता दें कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नामांकन में जाने वाले थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बताया है कि वह अस्वस्थ है। और उसके साथ ही एक बड़ा कारण ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल देर रात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। जी हाँ, सुशील कुमार मोदी कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें गले की कैंसर थी। कल दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और अब उन्हें पटना लाया जा रहा है। जी हाँ, बिहार के बीजेपी के भी जितने भी कार्यक्रम थे वो सबको रद्द कर दिया गया है। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद जो है बीजेपी में शोक की लहर है। जी हाँ, आपको बता दें कि इनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है और वो सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है। पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।